सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि आप जीके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जीके कंपटीशन हो या फिर नॉर्मली कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो यहाँ पे मैं इतिहास के कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल पीसीएम नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एस माय नेम इज अनुप कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं पीसीएम नॉलेज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। सेकेंड है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक अथवा पैगंबर कौन हुए थे? तो ये है मुहम्मद साहब हुए थे और 570 ईस्वी में हुए थे। चौरी चौरा कांड संबंधित किससे है? असहयोग आंदोलन से। मार्टिन लूथर को आंदोलन का किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो रंगभेद आंदोलन करने के लिए जाना जाता है। कह रहा कि हीरे की चमक का कौन सा कारण सही है? तो आंसर लिखेंगे उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरा चमकता है। एंड नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? तो थे विंस्टन चर्चिल। एंड नेक्स्ट है कि भारत में बॉम्बे हाई निम्न के लिए भली भांति जाना जाता है, कौन? तेल अनुसंधान जाना जाता है। फिर कह रहा कि ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है कि आर के लक्ष्मण। एंड नेक्स्ट है कि भारत की गन्ने की खेती का एक उदाहरण क्या है? तो आंसर लिखेंगे रोपड़ कृषि। एंड नेक्स्ट है कि भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, तो आंसर लिखेंगे रोपड़ कृषि। एंड नेक्स्ट है कि मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, नींद व खराटी लेते इसमें कम होती है। एंड उससे भी बाद में है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? तो वर्तमान से कम हो जाएगा। ये सब जीके का क्वेश्चन है, जीके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप समझ में पाएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। एंड नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिए थे। एंड नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है, किस विधि के द्वारा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर लिखेंगे अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। एंड आगे ऐसे बढ़ते हैं, तो कह रहा कि किस देश के निवासियों द्वारा सीटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे जापान के। किसके द्वारा किया जाता है? जापान के। एंड नेक्स्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है 3 वर्ष का। फिर कह रहा कि IPL का संबंध किस खेल से होता है? क्रिकेट से। एंड नेक्स्ट है कि कंप्यूटर चिप्स निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो आंसर है सिलिकॉन के। जी हाँ, किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। तो इसको भी जानना आपको ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का मुख्य उद्देश्य किसे माना जाता है? तो आंसर लिखेंगे विलुप्त हो रहे जीवों की रक्षा करने से संबंधित होता है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर तो पूछे ही जाते हैं। एंड नेक्स्ट है कि किस आंदोलन द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया? तो आंसर लिखेंगे शुद्धि आंदोलन द्वारा। एंड नेक्स्ट है चीन की किस नदी को येलो रिवर अथवा पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? ह्वांगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आंसर लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। एंड नेक्स्ट है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। एंड उसके भी बाद है कि यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। एंड नेक्स्ट है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। एंड नेक्स्ट है कि खेल शब्दावली ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित होता है? तो टेनिस से संबंधित होता है। एंड नेक्स्ट है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन होती है? तो ओजोन गैस होती है, जिसका फार्मूला होता है O3। एंड नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। एंड नेक्स्ट है कि किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ था? ब्यास। एंड उसके भी बाद है कि राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो सतलज नदी से ये जल ग्रहण करती है। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो इसका जो व्यास होता है 12756 किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग में इसको माना जाता है, एक्चुअल में आप नहीं कहेंगे। एंड नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। काली मिट्टी उगाने के लिए बहुत उपयुक्त
बहुत उपयुक्त नहीं होता है क्या मूंगफली? एंड भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? तो आपको बता दें महाराष्ट्र मुंबई में होता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 23 है। करक 1946 में बनी अंतिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आंसर लिखेंगे खाद तथा कृषि विभाग था। एंड नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो आंसर है चंपारण में। एंड नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य नेफा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। एंड उसके भी बाद है कि हैवी हिकल्स फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो लिखेंगे अवाड़ी में स्थित है। एंड उसके भी बाद है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलियम नीति प्रस्तुत की थी? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी किया था। एंड उसके भी बाद है कि मालगुड़ी डेज का लेखक कौन होते हैं? तो लिखेंगे आर के नारायण। एंड उसके भी बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया था? 1929 ईस्वी में किया था। एंड नेक्स्ट है कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर महात्मा गांधी ने की थी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, जो कि जीके कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर लिखेंगे जिनेवा में। एंड नेक्स्ट है कि डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा बोली जाती है। एंड नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को रावला पीड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर को जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जड़ से प्राप्त होते हैं। एंड नेक्स्ट है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? तो कर्नाटका में स्थित हैं। एंड नेक्स्ट है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयुक्त की जाती है? तो ये होता है प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष होता है ना, वो सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तारे हुए, सूर्य हुए, ग्रह हुए, तो उनकी दूरी को मापने के लिए पारसेक का यूज़ किया जाता है, प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा होता है? तो भैरवी है। एंड नेक्स्ट है कि चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है कि अरविंद अड़गिया हैं। एंड नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में। एंड नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। एंड नेक्स्ट है कि दिल्ली की सुल्तान, जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अनुसंधान कलपक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कोई ग्रुप है आपको, ऐसा ग्रुप है जिसमें लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए, जीके कंपटीशन के लिए वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर उसमें शेयर कर दें। जिससे क्या होगा, सभी लोगों को हेल्प मिलेगा और पढ़ने में भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो आंसर लिखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। एंड नेक्स्ट है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसने किया था? आंसर अकबर ने। एंड उसके भी बाद है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है कि मैडम भिकाजी कामा, सन 1907 ईस्वी में फहराए थे। एंड नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कह रहा कि मौर्य काल में लिया जाने वाला कर को क्या कहते हैं? तो हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। एंड नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन में है। एंड नेक्स्ट है कि भारत में बगीचा उपमान किसे कहते हैं? बंगलौर को कहते हैं। एंड उसके भी बाद है कि मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार था। एंड नेक्स्ट है कि नेफा का नाम क्या है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। एंड आगे बढ़ते हैं, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला राजपत राय। कौन है? लाला राजपत राय। एंड नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो आंसर लिखेंगे पुरुषपुर और मथुरा में। कहाँ स्थित है? पुरुषपुर और मथुरा में। एक बार मैं फिर आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो इस वीडियो की स्पीड को आप बढ़ाकर देखेंगे तो आपके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को 2-3 बार भी आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो याद ही हो जाएगा 2-3 बार देखने में, जो कि आपके लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और कुछ केस में ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होता है लेकिन डायरेक्टली आपको एग्जाम में याद आता है। ठीक है, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल PCM नॉलेज को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका लिखेंगे पुरुषपुर और मथुरा थी। एंड नेक्स्ट है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। एंड विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया होता है। रेल इंजन और निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो अफ्रीका की है। नेक्स्ट कह रहा कि किसे अंधकार के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को। और नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन होता है उत्तरदायी? राष्ट्रपति ही होता है। कह रहा कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। शिकागो अमेरिका में जाकर उन्होंने कितना भाषण दिया था, कितना लैंग्वेज दिया था। और वैसे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उनकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ तो एक भी नहीं है उनकी। ठीक है, तो बहुत ही महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद ने। अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए थे समाज की भलाई के लिए, इसलिए उनको हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। एंड नेक्स्ट है कि सूरज विभाजन सन 1907 का नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। एंड नेक्स्ट है कि जागीर का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद सलीम था। एंड नेक्स्ट है कि जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था? सन 1870 ईस्वी में किया गया था। एंड नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1972 ईस्वी में हुई थी। तो ये चीज़ भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्वतंत्र भारत के नौसेना के प्रथम कमांडर वाइस एडमिरल कौन थे? आरडी कटारी थे। कौन थे? आरडी कटारी थे। कि इन बबूता किस देश की निवासी था? आंसर मोरक्को का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जी हाँ, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। कह रहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इनको ऐसे भी जाना जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी ही थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कह रहा कि धान की डलिया किस राज्य को जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। कह रहा कि दूसरी बात, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। कह रहा कि वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था। एंड नेक्स्ट है कि खैरवेल शासन की राजधानी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हाथी गुम्फा शिला लेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा शिला लेख में मिलता है। कौन? खैरवेल शासन की राजधानी का उल्लेख वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेटिस्फाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कह रहा कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। एंड कह रहा कि बाबर ने प्रथम पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। एंड पुटीमार के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। एंड अस्थाई बंदोबस्त के साथ लॉर्ड कार्नवलिस का नाम जुड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट है कि गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला? सन 1987 ईस्वी में मिला। एंड नेक्स्ट है कि जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेडिया बायोलॉजी। क्या कहलाता है? रेडिया बायोलॉजी, मतलब जीवों पर यदि विकिरण के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसी कहते हैं रेडिया बायोलॉजी। और नेक्स्ट है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? कैल्शियम तथा फास्फेट कहते हैं।
और नेक्स्ट है कि लाल एंजाइम के पाचन में कौन सा, लाल एंजाइम जो होता है वो किसके पाचन में, सॉरी सॉरी, जो लाल एंजाइम होता है वो पाचन में सहायक होता है। एंड अस्थाई बंदोबस्त के साथ लार्ड करवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट है कि जहांगीर ने अंग्रेज विलियम हार्किंग्स का खान की उपाधि दी थी। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं कि रौलेट अधिनियम कब पारित किया गया था, सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। एंड नेक्स्ट है कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था, तो इसमें लिखेंगे वीर सावरकर ने किया था। एंड नेक्स्ट है कि जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रेडिएशा के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे एक था जिसको दक्षिण रेडिएशा के नाम से, रोडिसिया के नाम से जाना जाता है। तो जो जिम्बाब्वे है उसको पहली बार इसको जाना जाता है कि दक्षिण रेडिसिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड थोड़ा सा और क्वेश्चन है तो आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सेल कई प्रकार का होता है, शुष्क सेल होता है, रासायनिक सेल होता है, शीशा संचायक सेल होता है, बहुत सारी सेल की कैटेगरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि शीशा संचायक जो सेल बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। एंड नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। एंड नेक्स्ट है कि ग्रेमी पुरस्कार संबंध किससे होता है, संगीत क्षेत्र से होता है। एंड नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम डाकघर सन 1727 ईस्वी में खोला गया था। एंड नेक्स्ट है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। एंड नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लिखेंगे एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि नील क्रांति का संबंध मछली से रिलेटेड होता है। एंड विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। एंड विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि संघ लोकसभा अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष है वो इस्तीफा देना चाहता है तो किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आजीविका धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ये थे मखली गोसाल थे। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो आंसर दंती दुर्ग था। कौन था, दंती दुर्ग था। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पीसीएम नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक्स वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।